कॉग्निसेंट एकेडमी की फिजिक्स क्लास में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ग्रेविटेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज। तो ग्रेविटेशन की पूरी कॉन्सेप्ट जो है इन एमसीक्यूज के ज़रिए डेवलप कराना है। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें जो भी कंटेंट्स हैं उन सारे कंटेंट्स को हम लोगों को यहाँ पर देखना है। सारे कंटेंट्स को कवर किया गया है। तो ग्रेविटेशंस का एक वीडियो पहले ही बना हुआ है, आप उस वीडियो को पहले देखें, देन आफ्टर इस पार्ट टू वीडियो को देखेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चंस का सीक्वेंस जो है वो आपका रैंडमली होगा। यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस लिए गए हैं इन बिटवीन टू लाइन्स ऑफ एनसीईआरटी, दैट मीन्स ये पूरे के पूरे क्वेश्चन जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134 क्या कहता है। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर इज जी डैश देन। तो यहां पर देखिए, अगर मान लो ये हम लोगों का अर्थ है, अर्थ सरफेस पर अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू दी हुई है स्मॉल जी। बोला जा रहा है द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच, एच हाइट पे यहां पर आप देख रहे हो इसका वैल्यू जो है वो हम लोगों का जी डैश है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो घटता चला जाता है। साथ ही साथ अगर इन डेप्थ भी जाते हैं तब भी स्मॉल जी का वैल्यू घटता है। स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होता है कहाँ पर, तो सी लेवल पर। आप ऊपर जाएँ चाहे नीचे जाएँ, हर हालत में अगर हम लोग देखें तो स्मॉल जी का वैल्यू जो है वो डिक्रीज करता है। सी लेवल पे मैक्सिमम होता है, क्या होती है वैल्यू, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, ये होता है सी लेवल पर। लेकिन हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे यह वैल्यू घटेगी, इन डेप्थ जाएंगे तब भी स्मॉल जी की वैल्यू घटेगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस कैपिटल आर, ये अर्थ का रेडियस जो है ये हम लोगों का दिया हुआ है कैपिटल आर इज जी डैश, यानी कि एट हाइट कह रहा है जी डैश है, तो यहाँ पर जी डैश की वैल्यू जो है वह स्मॉल जी से क्या होगी, कम होगी, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वह हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। 134 का ऑप्शन नंबर ए, जी डैश इज लेस देन स्मॉल जी इज द करेक्ट आंसर। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 136 की बात करें, इफ द पॉइंट मास एम इज एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, यहाँ पर प्लेस्ड होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लेस्ड, ये आप समझ लें प्लेस्ड होगा यहाँ पर, ओके प्लेस्ड। इफ द पॉइंट मास एम इज प्लेस्ड एट हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस आर ई such that h less than radius of the earth, then acceleration due to gravity is given h। तो जैसा कि आपने इससे पहले वाले जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे स्मॉल g का वैल्यू जो है वह घटेगा, किस आधार पे कहते हैं, इस क्वेश्चन में हम लोगों को उसका जवाब मिलेगा। तो जो एक्सप्रेशन होता है वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ हाइट या फिर इफेक्ट ऑफ हाइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वह एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो वह एक्सप्रेशन है जी एट हाइट एच, वह होता है स्मॉल जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर ई, आर ई क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है। अगर इसी को हम लोग ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे तो जी माइनस टू जी एच बट्टा आर ई हो जाएगा। कहने का मतलब एट हाइट एच जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात होती है तो जो जी की वैल्यू है उसको आप माइनस करते हो, दैट मीन्स घटाते हो टू जी एच बट्टा आर ई की वैल्यू से। तो जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे एच का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, यानी कि ज़्यादा वैल्यू से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली स्मॉल जी का वैल्यू जो है वह जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाएंगे वह घटेगा। तो याद रखेंगे जो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ हाइट जो है उसका जो इक्वेशन है वह क्या है, तो जी एट हाइट एच इज इक्वल टू स्मॉल जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर ई, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
अगर हम लोग 142 की बात करें, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डेप्थ डी इज गिवन बाय, तो यहाँ पर देखिए जो वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ इनसाइड द अर्थ है, इस एक्सप्रेशन का जो बीच वाला इक्वेशंस है, इन सारे इक्वेशंस को यहाँ पर बेसिकली यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे देखिए द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ डी इज गिवन बाय, तो एक पॉइंट पे जो है हमारा आता है जी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू एफ डी डिवाइड बाई एम, ये भी आता है। सेकेंड वन जो ऑप्शन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी इज इक्वल टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई क्यू इंटू आर ई माइनस डी, और जो फाइनल वैल्यू आता है हम लोगों का इस एक्सप्रेशन में वह है ऑप्शन नंबर सी, जी इज इक्वल टू, यानी कि जी एट डेप्थ डी है ना, इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बट्टा आर ई। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर जो है वह क्या होगा, 142 का ऑल ऑफ दीस, राइट। तो सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, फाइनल जो हमारा ऑप्शंस आता है, जो फाइनल एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आता है ये वाला आता है। अगर इसको आप एक्सप्लेन करें तो ये सपोज करिए जी डी जो लिखा है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी, आप उसको जी डेस मान लिए, तो जी डेस इज इक्वल टू जी इंटू वन माइनस डी बटा आर ई है, इस ब्रैकेट्स को तोड़ेंगे तो जी माइनस जी डी बटा आर ई होगा। दैट मीन्स कि आर ई और जी का वैल्यू तो फिक्स है, सिर्फ और सिर्फ ये डी चेंज करेगा, मतलब जितना डेप्थ पे जाएंगे डी का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि जी डी बटा आर ई का वैल्यू बढ़ेगा, यानी कि ज़्यादा वैल्यू से आप स्मॉल जी की वैल्यू यानी कि 9.8 को घटाओगे। दैट्स वाई कंक्लूजन ये पहुँचते हैं हम लोग कि जैसे जैसे इन डेप्थ जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज ही होता है। क्वेश्चन नंबर 145 में है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है अगर हम लोग एच हाइट पे निकाल रहे हैं तो वो किस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, कौन सा फैक्टर होगा जिस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ है, हाइट पे डिपेंड करता ही है, मास ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करेगा क्योंकि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वह होती है जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ भी हो गया, रेडियस ऑफ द अर्थ भी हो गया, यानी कि मास ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड कर रहा है, हाइट पे भी डिपेंड कर रहा है ना। और पहला ऑप्शन जो है दैट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे ये डिपेंड नहीं करता है। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट एच अबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड करता है। आपने देखा है लास्ट क्वेश्चंस में कि किस तरह से वो हाइट पे डिपेंड करता है, जैसे जैसे हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज होता है, ये भी हमने आपको बताया। तो एच पे तो डिपेंड करेगा ही, चूँकि स्मॉल जी का वैल्यू डिपेंड करता है मास ऑफ द अर्थ पे, इसलिए मास ऑफ द अर्थ पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू एट हाइट एच डिपेंड नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव अट्रैक्टिव बोथ ए एंड सी, तो जहाँ तक सवाल है ग्रेविटेशनल फोर्स का, ये कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ऐसा फोर्स जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन पे डिपेंड करता है, इंटरमीडिएट पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जिस फोर्स के द्वारा जो भी वर्क डन होगा वह वर्क डन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशंस पे डिपेंड करेगा, इंटरमीडिएट पोजिशंस पे डिपेंड नहीं करेगा, वह कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स का, यानी कि ए तो है, सी अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, लेकिन एक ऑप्शन हमारा दे रहा है बोथ ए एंड सी, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड सी। दैट मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वह कंजर्वेटिव भी होगा और अट्रैक्टिव भी होगा। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं 161 में क्या है, वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम R1 टू R2, जहां पे R2 जो है R1 से बड़ा है, दैट इज फ्रॉम P टू Q अलोंग ए स्ट्रेट वर्टिकल पाथ। तो अगर लिफ्ट करते हैं एक पार्टिकल को, इनिशियल पोजीशन है उसकी R1, वहाँ से R2 तक, तो ऑब्वियसली R2 जो है R1 से बड़ा है, फ्रॉम P टू Q अगर लेके जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में वर्क डन क्या होगा।
तो यहाँ पे देखिए वर्क डन जो है वह क्या होगा, आर वन टू आर टू जी एम ई एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये वर्क डन जो है ये तो होता ही है। नेक्स्ट जो है आप देख रहे हो सी में माइनस कैपिटल जी एम ई एम इंटू वन बाई आर टू माइनस वन बाई आर वन, ये फाइनल आंसर होता है। कहने का मतलब है कि जो वर्क डन इन लिफ्टिंग द पार्टिकल फ्रॉम आर वन टू आर टू अगर हम लोग लेके जाते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन देख रहे हैं बोथ ए एंड सी आर करेक्ट, दैट मीन्स 161 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। ए में आप देख रहे हो जो वर्क डन निकाल रहे हैं आर वन टू आर टू, जब आप इंटीग्रेट करेंगे जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर को तो हम लोगों को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स 161 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 166 की बात करें, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट ऑफ ए पार्टिकल ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑन इट ड्यू टू द अर्थ इज प्रोपोर्शनल टू, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मास ऑफ द पार्टिकल। दूसरा ऑप्शन जो है डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सेंटर ऑफ द अर्थ स्क्वायर ऑफ द मास ऑफ द पार्टिकल, ये नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस में। तो जो एक्चुअल रिलेशन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर इज गिवन बाय, तो यहाँ पे देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है एक्चुअल में जो वर्क होगा वही ट्रांसफॉर्म करेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, और इसका जो फार्मूला है माइनस कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वर्क है या जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल है, जो हमारा पहला ऑप्शन था मास ऑफ द पार्टिकल, दैट इज द करेक्ट आंसर। आर के साथ क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, मास ऑफ द अर्थ के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, लेकिन मास ऑफ द अर्थ तो फिक्स्ड होगा वो तो बढ़ेगा नहीं अगर हम लोग प्रैक्टिकली बात करें, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मास ऑफ द पार्टिकल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, जहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर से बड़ा है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है हम लोग अर्थ सरफेस के बाहर जो है बात कर रहे हैं किसी खास हाइट पर, इज गिवन बाय मास ऑफ द अर्थ एम ई है, रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वह हम लोगों का कैपिटल आर दिया गया है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला वेस्ट है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है एट ए डिस्टेंस आर जो है उसकी वैल्यू होती है माइनस कैपिटल जी मास ऑफ द अर्थ डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो जो सेंटर ऑफ द अर्थ से जिस पोजीशंस पे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उस डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पहले दो ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं कि रेडियस ऑफ द अर्थ दिया हुआ है, इसकी वजह से गलत हो गया, और ऑप्शन नंबर डी में जो है आप देख रहे हो क्या दिया गया है, तो प्लस दिया गया है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट विल बी ऑलवेज इन नेगेटिव, वह हम लोगों का क्या होगा नेगेटिव में आएगा, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो माइनस कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर। क्वेश्चन नंबर 175 क्या है, इफ स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है कहाँ पर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम व्हेन रेज फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू ए हाइट इक्वल टू द रेडियस कैपिटल आर ऑफ द अर्थ इज, तो हम लोगों को निकालना है द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम लोग जो मास एम है उसको रेज कर रहे हैं उस डिस्टेंस पे जो डिस्टेंस रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्विवेलेंट है, रेडियस ऑफ द अर्थ के बराबर है, तो इसके सॉल्यूशंस में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को जो है हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया गया है कि आर वन की वैल्यू जो है वह कितनी है आर है, आर टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी टू आर हो जाएगी, क्योंकि एच इज इक्वल टू क्या है आर है। तो यहाँ पे देखिए वर्क डन
वन टू टू, जो पोजीशन है वन से टू अगर आप लेके जा रहे हो, तो यहाँ पे देखिए एम जी एच आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, यानी कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एम जी एच जो है वो चूंकि आर के बराबर है तो एम जी आर स्क्वायर हो जाएगा, एच भी आर के बराबर है इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो आर प्लस आर जो है वो टू आर हो जाएगा, तो एम जी आर स्क्वायर बटा टू आर है, एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा एम जी आर बाई टू, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में था, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हम लोगों का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो है आप देख रहे हो एम जी आर बाई टू है, तो 175 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम जी आर बाई टू। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू रीच इन्फिनिटी एस्केप फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज, तो यहाँ पर जो एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फेंकते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट गोज आउट ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, इस तरह से कि वह ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाता है तो वह रिटर्न बैक नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए एस्केप वेलोसिटी जो है उसकी कौन सी फार्मूला होगी या कितना मिनिमम स्पीड चाहिए ताकि आप उसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक सको, तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी में अंडर रूट टू जी एम ई डिवाइडेड बाई आर ई, तो आप देख रहे हो ये वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये तो हमारा होगा। अब इसी ऑप्शन में देखिए अगर हम लोग ऊपर नीचे जो है आर ई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी एम ई बट्टा आर स्क्वायर इंटू आर, और जी एम ई बट्टा आर स्क्वायर क्या हो जाएगा स्मॉल जी, तो आप यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा हम लोगों को। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए इस सवाल में कि सही ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट, तो यहाँ पे देखिए बोथ बी एंड सी दिया हुआ है, तो बी भी होगा और सी भी होगा, तो सिर्फ बी को करेक्ट करेंगे तो गलत आंसर हो जाएगा क्योंकि सी भी सही है, तो यहाँ पर 190 का ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, ये फार्मूला बेस्ड है, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला है, इसको आपको याद रखना है, दोनों फार्मूला को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198 क्या कह रहा है, द काइनेटिक एनर्जी नीडेड टू प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास एम फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू इन्फिनिटी ईच, काइनेटिक एनर्जी नीडेड, कितना काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी अगर एक बॉडी जिसका मास एम है उसको फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ आप फेंक रहे हो कहाँ पर इन्फिनिटी में, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट है, तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था कि उसको इन्फिनिटी तक थ्रो करना है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी पे भेजने के लिए आपको उसको एस्केप स्पीड से भेजना होगा या एस्केप वेलोसिटी से भेजना होगा, और हम लोग जानते हैं कि एस्केप वेलोसिटी कितना होता है अंडर रूट टू जी आर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होगा हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मिनिमम जो स्पीड चाहिए वह अंडर रूट टू जी आर होना चाहिए, तो हाफ एम अंडर रूट टू जी आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो हाफ एम इंटू टू जी आर, टू टू कैंसिल हो जाएगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा एम जी आर। तो देखिए 198 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर सी दैट इज एम जी आर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 199, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज वी ई, तो जो एस्केप वेलोसिटी है इसकी वैल्यू जो है वह कितनी होती है, तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट टू जी एम डिवाइडेड बाई हम लोगों का क्या होता है आर, ये रूट पूरा में होता है। अब यहाँ पे बोल रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ कॉन्ट्रैक्ट्स टू 1/4 ऑफ इट्स वैल्यू, अगर ये जो आर है ये जो वैल्यू है अगर हो कितना जा रहा है 1/4 हो जा रहा है, बाकी मास ऑफ द अर्थ जो है वो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर 2gm है ना डिवाइडेड बाय r बट्टा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये 4 जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो
तो यहाँ पर अंडर रूट क्या हो जाएगा, 4 इंटू यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2gm/r, इसको आप समझ लीजिएगा। ये कितना है, अंडर रूट 4, फिर ये 4 जो है ऊपर चला जा रहा है, फिर हम लोगों का है 2gm/r। तो ये 4 जब बाहर निकलेगा तो 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, बाकी सब बच जाएगा अंडर रूट 2gm/r। मतलब जो एस्केप वेलोसिटी का जो वैल्यू था वह कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है, 2 times हो जा रहा है। तो 199 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट इज सर्कुलर, एलिप्टिक, हेलिकल, बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे देखिए पूछा है सैटेलाइट का, ध्यान रखेंगे सैटेलाइट क्या होता है, जो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो प्लैनेट्स के चारों तरफ रिवॉल्व करने वाला जो सैटेलाइट है, आइदर वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है या फिर एलिप्टिकल में। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 205 का करेक्ट आंसर होगा वो बोथ ए एंड बी होगा, यानी कि वह सर्कुलर भी हो सकता है ऑर्बिट या फिर एलिप्टिक भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 207, द फील्ड इन विच आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूजफुल फॉर प्रैक्टिकल पर्पस ईच। जो फील्ड है जहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट के यूज़ की बात करते हैं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है उसका यूज़ टेलीकम्युनिकेशन में भी होता है, जियोफिजिक्स में भी होता है और मेटेरोलॉजी में भी होता है। यानी कि 207 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 208 में है, द सेंटीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू रिमेन इन द ऑर्बिट इज। तो सेंटीपेटल फोर्स का कितना रिक्वायरमेंट होता है अगर आप किसी सैटेलाइट को प्रोजेक्ट करना चाहते हो उसके ऑर्बिट में। तो यहाँ पे देखिए 208 में ऑप्शन नंबर बी जो है वह हम लोगों का करेक्ट होगा। याद रखेंगे कितना सेंटीपेटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, तो mv² डिवाइडेड बाई re+h, वहाँ पे स्मॉल r भी लिखा हुआ रह सकता है। तो स्मॉल r जो है एक्चुअल में क्या होगा, तो रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस h, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ से वह डिस्टेंस होगा जहाँ पे आपने उसे प्रोजेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 210, द वेलोसिटी भी ऑफ ए सैटेलाइट इज। तो जो वेलोसिटी भी है सैटेलाइट का वह कितना होगा, तो ये भी फार्मूला बेस्ड है। होता क्या है, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट अंडर रूट 2gm/r। स्मॉल r जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, re+h। यानी कि क्वेश्चन नंबर 210 का करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा अंडर रूट gme/re+h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 212, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज गिवेन बाई। जो वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट है नियर द सर्फेस ऑफ द अर्थ कितना होता है, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी इज इक्वल टू होगा अंडर रूट gr, यानी कि आर ई जो है वह क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ है, जहाँ पे स्मॉल g का वैल्यू जो है gme/re² होता है। कैसे होता है इसके एक्सप्लेनेशंस में देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट, ये आपका बेसिक फार्मूला है, अंडर रूट टू ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट जो है भी इज इक्वल टू अंडर रूट gme/re+h है। इफ द सैटेलाइट इज क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, अगर सैटेलाइट जो है अर्थ सर्फेस के क्लोज में होगा तो एच का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, जीरो ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एच का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट gme, एच का वैल्यू जीरो हो गया, re बच गया। अब यहाँ पर इसको ऊपर नीचे जो है re से हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडर रूट gme re को re से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो re² हो गया, ऊपर में हमारा एक re रहेगा। और यहाँ पर देखो जैसा कि स्मॉल g इज इक्वल टू gme/re² है, तो यहाँ पर gme/re² को स्मॉल g लिखेंगे, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट होगा वह हो जाएगा अंडर रूट gre, जो ऑप्शन नंबर ए में था। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 214 है, द टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट इज t इज इक्वल टू 2π re+h/v।
दूसरा ऑप्शन जो है हम लोग देख रहे हैं, टी इज इक्वल टू 2πRe + h^(3/2)/√gme। तीसरा ऑप्शन है टी इज इक्वल टू 2πRe / 3/2)/√gme। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 214 का जो करेक्ट आंसर है वह है बोथ ए एंड बी, यानी कि ये जो आप देख रहे हो ए, ये भी होगा टी का फॉर्मूला, और बी में जो है ये भी होगा। कैसे होगा देखिए, यहाँ पे देखिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल स्पीड। एस इज इक्वल टू वी टी होता है, तो यहीं पर टी इज इक्वल टू हम लोग एस बाई वी भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो डिस्टेंस ट्रेवल इन वन रिवोल्यूशन, तो वन रिवोल्यूशन में अगर आप देखो तो उसको कितना लगना है, 2πr होगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेडियस ऑफ द अर्थ आर ई है, एच हाइट पर है, ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द अर्थ में हम लोगों को एच हाइट जो है वो ऐड कर देना होगा। तो इज इक्वल टू 2πRe + h/V है, तो यहाँ पर देखिए टी इज इक्वल टू 2πRe + h/V, ये हो गया हम लोगों का टाइम पीरियड टी का वैल्यू। तो एक ये वाला वैल्यू दिया हुआ था। दूसरा अगर हम लोग देखें वी इज इक्वल टू √gme/RE + h, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ वी इन इक्वेशन वन, ये जो वी का वैल्यू है अगर उसको हम लोग इक्वेशन वन में जो है पुट करते, राइट, तो यहाँ पर देखिए टी इज इक्वल टू 2πRe + h, यहाँ पे देखिए ये वी का वैल्यू जो है इसको यहाँ पुट किया जा रहा है, तो √gme आ जाएगा और RE + h क्या होगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो टी इज इक्वल टू 2πRe + h/(3/2) हो गया। ये जो रूट आप लिखते हो, रूट का मतलब क्या है, power 1/2, और यहाँ पर RE + h है, तो जब बेस सेम रहता है तो पावर्स को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो RE + h/(1) है, इधर हो गया 1/2, तो 1 + 1/2 = 3/2 हो जाएगा। तो हम लोगों का एक ऑप्शन ये दिया गया था और एक ऑप्शन जो है ये वाला दिया गया था, तो बोथ जो बी एंड सी था शायद, है ना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे देखिए ऑप्शन में था बोथ ए एंड बी, क्योंकि हम लोग ये वाला भी देखें टी का वैल्यू, और जो हम लोगों का बी में है ये वाला भी देखें, राइट, तो बोथ ए एंड बी जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसमें आर ई है, एच नहीं है, इसलिए ये वाला हमारा गलत है। तो ए और बी जो है दोनों करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पे हम लोग जाएंगे जहाँ पर बोथ ए एंड बी का ऑप्शंस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सैटेलाइट्स ऑफ मास एम एंड 9m आर ऑर्बिटिंग ए प्लैनेट इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस आर, देयर पीरियड्स ऑफ रिवोल्यूशन विल बी इन द रेशियो ऑफ। तो जहाँ तक सवाल है टाइम पीरियड का, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं टाइम पीरियड के लिए जो है जो वेरिएशन है वो क्या है, मास पे बात हो रही है कि एक का मास m है तो दूसरे का मास क्या है 9m है। तो टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ए सैटेलाइट, जो मास ऑफ द सैटेलाइट है उस पे टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड नहीं करता है। दैट मीन्स कि जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है, आप तो सिर्फ मास को चेंज कर रहे हो, ऑर्बिट जो है उसका रेडियस तो सेम है, इसीलिए हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में 1:1, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ए सैटेलाइट, जो मास ऑफ द सैटेलाइट है उस पे टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, और चूंकि अलग अलग मास है लेकिन रेडियस जो है वो सेम है, इसलिए दोनों का जो पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है वो सेम होगा, दैट मीन्स 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज, अगर एक पर्सन जो है चेयर पे सीट किया हुआ, लेकिन ये चेयर कहाँ पर है, सैटेलाइट में है, तो वो वेटलेस फील करता है, बिकॉज द अर्थ डज नॉट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट इनसाइड ए सैटेलाइट, ये गलत है, द नॉर्मल फोर्स बाय द चेयर ऑन द पर्सन बैलेंसेस द अर्थ अट्रैक्शन, ये भी गलत है, द नॉर्मल फोर्स इज जीरो, द नॉर्मल फोर्स इज जीरो है। एक्चुअल में हम लोग वेट इसलिए फील करते हैं क्योंकि जब हम लोग अर्थ में अपना वेट डालते हैं तो हमेशा एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वह हम लोगों को मिलता है, लेकिन सैटेलाइट के अंदर जो है ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू जो है या नॉर्मल फोर्स की वैल्यू जो है वह ज़ीरो होती है, इसी वजह से हम लोग वेटलेस फील करते हैं। तो 266 का करेक्ट आंसर होगा,
द नॉर्मल फोर्स इज जीरो. क्वेश्चन क्या था? ए पर्सन सिटिंग ऑन ए चेयर इन ए सैटेलाइट फील्स वेटलेस बिकॉज. आंसर होगा द नॉर्मल फोर्स इज जीरो. तो इस वीडियो में इतना ही. हमने ग्रेविटेशंस का पूरा एमसीक्यूज जो है कंप्लीट कर लिया है. एक नए चैप्टर के साथ जल्द उपस्थित होऊंगा. तब तक के लिए धन्यवाद. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ.